मैदान में मौजूद कोई भी टीचर, जज, एचएम ऐसे नहीं होंगे जिनके पास मोबाइल ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं माजरा चाहती हूँ, लेकिन इस हकीकत को हमने इस मॉडल की सूरत में पेश करने की कोशिश की है। यहाँ नजर डालिए, ये जो माँ है ये मोबाइल देख रही है, इसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है कि इसका बच्चा नीचे बैठ कर रो रहा है। मोबाइल ने माँ को बेरहम बना दिया कैसे, ये देखिए, भीड़ में खड़े रहकर भी अपने आप को तन्हा समझ रहे हैं। यहाँ मैदान खेलने के लिए बना है, लेकिन यहाँ मोबाइल यूज हो रहा है, मैदान का तो कोई वजूद ही नहीं रहा। ये देखिए, यहाँ भी बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ने के लिए जाते कि मोबाइल देखने के लिए जाते। अब यहाँ जरा नजर डालिए, मोबाइल हम पकड़ते हैं और लगता है ऐसे कि मोबाइल ने हमें जकड़ा हुआ है। यहाँ नजर डालिए, हम कठपुतली है, मोबाइल हमें चला रहा है, मोबाइल के दम पे चल रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बारिश होती है पानी की, तो यहाँ बारिश हो रही है मोबाइल की, हमें इससे बचना है। यहाँ नजर डालें, हर इंसान बस मोबाइल में कैद हुआ है। यहाँ देखिए, ये मोबाइल हमें खा रहा है, हम घुसते जा रहे हैं इसके अंदर, हमें कोई परवाह ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं। यहाँ नजर डालें, इस कंधे पर जैसे परिवार की जिम्मेदारी होती है, मोबाइल बैठ के खून चूस रहे हैं, मोबाइल का दिमाग खा रहे हैं, मोबाइल का दिमाग पी रहा है, तो उसको तो कोई परवाह ही नहीं। यहाँ नजर डालें, ये फेमस होने के लिए दीन को हल्के में ले रहा है, कैसे वीडियोस बना के अपने आप को फेमस कर रहा है और दिखा रहा है कि वो नमाज पढ़ रहा है। और ये हैकर, हम तो यहाँ पे कोई हैकर नहीं, ये हैक कर रहा है। ये देखे, अच्छी खासी फोटो अपलोड, अच्छी खासी लड़की है, फोटो लेकर गलत तरीके से एडिट करके सोशल मीडिया ऐप्स पे अपलोड करके लड़की को बदनाम कर रहा है। और यहाँ देखे, ये जो मोबाइल है पूरी दुनिया पे राज कर रही है, पूरी दुनिया मोबाइल पे ही चल रही है, लेकिन दुनिया पे एक अमर है कि जहन्नम की आग उसे छू रही है। खैर वो दुनियावी है, लेकिन आखिरत, आखिरत में तो हजारों गुना नुकसान का सौदा है। मोबाइल का बेजा बेगैरती इस्तेमाल हमें जहन्नम के आग के करीब ले जा रहा है। वो जमाना है कि सच जोर से कहना होगा, वो जमाना है कि सच जोर से कहना होगा, ओस भी फूल पे गिरती है तो छनकार के साथ। लेकिन औलाद, औलाद तो बेहतरीन तोहफा है, ये तो सदमे जारिया है, इसकी अच्छी तरीके से तरबियत करना, इसकी हिफाजत करना वालिदैन की जिम्मेदारी है। इन बच्चों को मोबाइल एडिक्ट से बचाने के लिए मेरे साथ ही कुछ नुस्खे तजवीज़ करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, हमने यहाँ पे देखा है, मिस ने आपको समझाया कि ये सब चीज़ें ग्लोबल वगैरह, फिर अब मैं आपको समझाऊंगी इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, बच्चे की तबीयत के हमने चंद रास्ते तजवीज़ किए। हामिल औरत मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, 5 साल की उम्र से लेके तो जब से वो पैदा होते तब से 5 साल की उम्र, हम ये कहते हैं हमने तो मोबाइल का इस्तेमाल किया। इसलिए हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं, देख रहे हो आप, ये जब औरत खुद मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे क्या इसके बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा? आप ये देख सकते हैं इसके बच्चे के ऊपर कितना खराब असर पड़ेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि मोबाइल क्यों इस्तेमाल करना है। हामिल औरतें के पेट के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है, जब वो वजूद में आता है बच्चा, तब से लेकर तो उसने 5 साल की उम्र तक मोबाइल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मोबाइल का इस्तेमाल ना करना चाहिए। और ऐसे थे, मैंने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया तो चलो म्यूजिशियन का, म्यूजिशियन क्या चीज़ है, मोबाइल का एक हिस्सा है ना। मैं ये नहीं कहती कि म्यूजिशियन किसी को नहीं करवाओ, म्यूजिशियन करवाओ, आर्ट अपने बच्चों को आर्ट के तौर पर करवाओ, आर्ट के तौर पर करवाओगे तो बच्चे उससे कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे। देन उसके बाद आप ये देख सकते हो, हमने होते मैंने खुद को देखा मोबाइल देखे, दिल बहलाने के वास्ते मोबाइल सॉन्ग वीडियोस, ये बहुत सी चीज़ें करते हैं। आप औरतें आपको सब कुछ पता होगा, मैं कह रही हूँ आपको, आपको सब कुछ पता रहेगा। इसलिए हमने होते के साथ शौहर सास ससुर इन सब का साथ देना चाहिए, औरतें मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। बच्चे यहाँ पे जाके क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाने की जगह ये, अगर मोबाइल चलाने की जगह तो क्या है इस चीज का, जिसका वजूद मिट जाएंगे अगर ये ऐसे मोबाइल चलाने के होली हो गए। इसलिए हम कहते हैं कि बड़े बच्चे फुटबॉल खेले, टेनिस खेले और इसके अंदर अपना खुद का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, जिसके आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सचिन तेंदुलकर और बहुत सी एकदम अजीम तरीन हस्तियां है जिन्होंने अपने पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में फैलाया हुआ। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये नाम अपने खुद के बच्चे भी फैलाए। अब तो एक चीज को आप ही एक सबसे वालिदैन ही एक सबसे खराब है जो हम जैसे बच्चों को मोबाइल हाथ में, ये मैं कुछ गलत कह रही हूँ, आप भी के पास मोबाइल है, इस पूरे इसके अंदर हर वालिदैन हर एचएम हर जगह सब कोई नहीं इसको मोबाइल, हर एक इंसान के मोबाइल से मोबाइल बच्चों को भी देते हैं, ऐसे कोई है जो अपने बच्चों को पहले देते हैं, आपके पास बच्चे होगा आप देते हैं, आपके पास देगा आप भी अपने बच्चों को पहले देते हैं।
कोई है जो नहीं देते हैं? सब दे। क्यों देते हैं? अब मैं ये नहीं कह रही बच्चों को मोबाइल खराब से, बच्चे को मोबाइल भी दो, सब दो, सब करो। लिमिट एक ऐसी चीज है जो इंसान को रखना चाहिए, अपने अंदर लिमिट रहना चाहिए, उससे इंसान सही होता है। आप बच्चे को मोबाइल दो एक घंटा, दो घंटा, दो घंटे के ऊपर आप गए तो अपने बच्चा बेकार हो सकता है। लिमिटेड टाइम रखो, इतना रखो ना कि जिसके अंदर आप रूल बनाओ ना, रूल नीचे जो आप गरम हाथ इसको लगाए जहन्नुम की आग की तरह तप रहेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया है कि मोबाइल किसके अंदर लग गई, जिसके आप नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये सब चीजें करो, उससे आपका बच्चे जो रहेगा वो अच्छे रहेंगे। इसके अंदर यहाँ पे गार्डन रिजॉर्ट बनाया है, छुट्टियों में बच्चे को आप रिजॉर्ट लेके जाए। टेनिस, मैंने जैसे बताया क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह आप अपना भी नाम रोशन कर सकते हैं, अपने बच्चे का नाम भी नाम रोशन कर सकते हैं, पूरे देश का नाम रोशन, अपना नाम पूरी दुनिया में आप रोशन कर सकते हैं, इस तरह आप अपने बच्चे का रोशन करवाओ। छोटे बच्चे के लिए पार्क है, स्लाइड है, और ये बहुत सी चीज मैजिक बॉक्स, इसके अंदर आप सब मैजिक्स, दिस इज मैजिक, इसके अंदर मैं समझा रही हूँ, आप समझ रहे हो कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है? इसके अंदर आप छुट्टियों में बीच लेके जाओ, जो बच्चे हैं वो बीच में जाएंगे और बहुत खुशी महसूस करेगी। बच्चों को ऐसी चीज दो जिसे मोबाइल के ऊपर लानत भेजो, मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर लानत को सब फेंक देना चाहिए, जिंदगी से निकाल के फेंक देना चाहिए। जू लेके जाओ, तारीखी इमारतों पे लेके जाओ, मनाली लेके जाओ, मनाली का आपने इसका तो जन्नत का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा एक नजर है, आपने इसके बारे में मस्जिद वहां पे भी सुना होगा, जन्नत के बारे में वहां के आपने इसको सब सुना। बच्चों को कहे कि वेस्ट मटेरियल बनाए, जिसके हमने यहाँ पे बनाया, जू बेच का बताया, अभी बहुत सी चीजें बताया मैंने आपको, आपका हाउस बता रही, वेस्ट मटेरियल। मैंने घरों में देखा है बच्चे क्या करते, पुट्ठा मिला पुट्ठे को ना फेंक देने का, नहीं तो बेच देने का, ऐसा करते हैं। आपके घरों में भी पुट्ठा आ जाएगा, बेच देते हैं बच्चे को। जब आप एक से डेढ़ घंटा मोबाइल देते ना, तो उसके अंदर अगर आप बच्चों को ये कहो कि देखो बेटा तुम मोबाइल ले रहे हो तो मोबाइल में कोई अच्छी चीज़ तो आप आर्ट का क्राफ्ट देखो, फिर अच्छे 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 नस्लें बार देखो जिसकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से अपन बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। ऐसे ही अपन मोबाइल के अंदर है ना वेस्ट मटेरियल, हाउ टू मेक वेस्ट मटेरियल से क्या क्या चीजें बन सकती है, आप ये सब चीजें देख सकते हैं। मेरी फ्रेंड है, उसने पुट्ठे का बनाई है, कहीं ये सब बनाए, ये भी फुट्टे गए, फालतू जा रहा था उसने बनाया, बन गया, बन गई आर्ट क्राफ्ट है ना। वो चीजें देखो, वो चीजें देखो, सब चीजें देखो। इसके मनाली है, मनाली ये मनाली का जन्नत, छोटा सा टुकड़ा, टुकड़ा भी हम लोग नहीं कह सकते, सिर्फ एक नजरिया। हम लोग ये मनाली इतना खूबसूरत, इसके छाती ऐसे दुनिया में आप सोच सकते कितनी चीजें होती, हजारों लाखों करोड़ों जगह है जहाँ पे हम हमारे बच्चों को लेकर जाते हैं, हजारों करोड़ लाखों रिजॉर्ट से, गार्डन से, फुटपाथ, हर जगह आप अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं। ऐसे ही मैं आपसे गुजारिश करते अपने बच्चों को लेके जाए, इसके वहां पे देख रहे हैं वहां पे उधर साइड माँ बच्चों के साथ इज्तिमा में जा रही है, आपसे गुजारिश है बच्चों का आप अपने साथ नश्ते में लेके जाए। इस तरह जाने से आपके ईमान से नॉलेज कितनी बढ़ेगी, आप खुद भी जान सकते हो कि नहीं मिसी, यहाँ भी सब जान सकते ना, इस्तेमाल में जाने से बच्चे कितनी नॉलेज बढ़ती है। नेक्स्ट क्या था ना, आप अपने बच्चे को जब माँ खुद नमाज पढ़ती है ना, अब देखो आप अगर नमाज पढ़ने के लिए बैठोगे आपको लेके अपने बच्चे नमाज पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, आप सख्ती करो, उसको मारो डांटो कैसे भी करो, उसे नमाज पढ़ो। मैं नमाज पढ़ी, मेरी बेटी ने भी नमाज पढ़ी, मेरी बेटी नमाज पढ़ेंगी, मैं प्रखर नमाज पढ़ी। वाले तो अपने लड़कों जो रहते हैं, लड़के लोग नमाज को बोलते हैं मस्जिद में जाने के लिए कि बाहर चले जाने, कहीं भी अपने फ्रेंड्स के साथ घूम जाते हैं, यहाँ पे जाने का वहाँ पे जाने का, स्कूल को पढ़ के जाते बाहर चले जाते। क्या है ये हमारे ईमान, ये सिखाते हमारे ईमान हमको, हमें नमाज के लिए बोल के जाते तो नमाज के लिए जाए, बोल के क्या सिर्फ नमाज के लिए मस्जिद में जाना चाहिए, बोले क्या चीज नमाज एक ऐसी चीज है जिसको हर एक इंसान ने करना चाहिए, नमाज के बिना ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी की एकदम एग्जाम बच जाती है। तुम यहाँ की जिंदगी अगर तुम्हारी अच्छी गुजरे तो क्या जहन्नम तुम्हारी अच्छी जाएगी, जन्नत अच्छी जाएगी। तुम बच्चे को काबे में लेके जा सकते हो, काबे के अंदर जाओ, काबे एक ऐसी चीज है वहां पे सब बच्चे को घुमाओ, उनकी जो मोहब्बत ईमान के लिए, जो उनका मोबाइल है ना ईमान के लिए एकदम पुख्ता निकल रहा है, एकदम निकाल दे, एकदम उसके अंदर से निकाल दे, दिल में से ईमान को निकाल के फेंक दे रहे हैं, मोबाइल एक ऐसी चीज है, बोलते लानत भेज ऐसी चीज के ऊपर एकदम फेंक दो उसे। अब इन सब चीजों में जितना अब मैंने इतना पैसा लगाई, इन सब चीजों में मुझे बहुत लाभ, हम लोग को पैसा लगा 500-600 इतना पैसा लगा, इससे ज्यादा कितना एकदम 10 गुना पैसा लगता है आपका मोबाइल खरीदने, लगता है कि नहीं मोबाइल खरीदने में लगता है। मैं ये कहना चाहती हूँ अगर आप इतना मोबाइल खरीदोगे, इतना करोगे, अगर वो उससे कितने आपका नुकसान कितने हैं, नुकसान कितने हैं, मैं बोलती फायदे भी उससे, मैंने ये नहीं कहा कि फायदे नहीं, फायदे है, बट आप बच्चों को लिमिट में मोबाइल दो ना, एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा, इनफ। पढ़ने कैसे दो, बच्चा क्या पढ़ रहा है वो देखो, बच्चा क्या कर रहा है वो देखो, बच्चे को बोलो ऐसी चीजें देखे, बच्चों को बोले सर सब चीजें बनाने के लिए देखे, बच्चों को उम्र में साथ में लेके जाए, उम्र भी तो बहुत ही अच्छी चीज है, वहां पे जाने से इंसान की मोहब्बत एकदम पुख्ता होती है, एकदम निकल के आती है मोहब्बत की, नहीं मेरा ईमान सबसे अच्छा, ये मोबाइल सब चीजें खराब है, मेरा ईमान सबसे अच्छा है। सबके बच्चों के दिलों के दिमागों को जंग लग चुका है, ऐसा जंग लगा जो निकलेगा नाम नहीं ले रहा है, ऐसा मोबाइल है, मोबाइल सबके दिमागों को जंग लगाए। क्या मोबाइल को आप निकाल के फेंक सकते हैं अपनी जिंदगी से? मोबाइल को निकाल के फेंक नहीं सकते, बट आप थोड़ा टाइम कम कर सकते हैं,
रूल्स अगर कर सकते हो, कुछ कर सकते हो मोबाइल के लिए कि नहीं मेरा बच्चे ने इतने से इतना टाइम मोबाइल यूज करना चाहिए। और ये बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे मैंने चंद नमूने हम लोगों ने पेश किए जिसकी आप सब देख रहे हो। और ये सब चार्ट्स भी यहाँ पे दुनिया जल रही है, हम कहते हैं दुनिया क्यों जल रही है, मोबाइल को चलाओ, आग में मोबाइल को जलाओ ना, जलाओ गैस चलाओ उसके अंदर मोबाइल को रखो, हिम्मत नहीं है आपके अंदर। क्यों? मोबाइल काम की चीज है। आप तो जब ऐसा टाइम आएगा तो आप क्या बोलेंगे, मोबाइल तो काम की चीज है, हम लोग कैसे करें। बट ये नहीं आना चाहिए मोबाइल के पल्ला आना डाले ऐसी चीज के पर जो अपने आप को नुकसान में डालता है। मोबाइल एक ऐसी चीज है जो बहुत खराब है, बहुत 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 खराब है, आप उसके ऊपर प्लीज लानत ना डाले, बहुत ही खराब चीज है। दुनिया नहीं, आप खुद जल रहे हो, दुनिया नहीं है ये, आप खुद है, ये समझो कि आप खुद हो। फिर देन उसके बाद अपने अंदर की सोच को निकालो कि दुनिया खुद है, देखो खुद जहन्नम के आग में जलेंगे तो कैसा फील होगा, देखो आप जहन्नम के आग में कितनी गर्म है। इसी तरह तो कुछ नहीं है, तो उसका एक छोटा सा नमूना भी नहीं है, इससे 10,000 गुना ज्यादा गर्म नमाज होगी वहां पे जहन्नम में जाओगे तो क्या आपको ऐसे आग मिलेगी कि नहीं, मिलेगी कि नहीं, वहां पे ऐसे दज्जाल मिलेगी कि नहीं, सब मिलेगा वहां पे, बहुत सी चीजें मिलेंगी। आप हर चीज के ऊपर देखो, आपको बहुत सी चीजें वहां पे नीचे पूरी आपको अपनी आग दिखती है। आप देख रहे हैं मोबाइल यहाँ पे जल रहे हैं, मोबाइल जल रहे हैं, क्या मोबाइल की जगह अपने आपको जला रहे हैं? मोबाइल है, मोबाइल की जगह हम लोग खुद जल रहे हैं। मोबाइल हम लोग जगह हम लोग खुद क्यों जल रहे हैं, मुझे ये बताया क्यों जल रहे हैं? मोबाइल का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं ये आपसे गुजारिश करी मोबाइल का क्यों कर रहे हो, क्यों इग्नोर कर रहे हो आप, नहीं करो प्लीज, आपसे मेरी गुजारिश करते हैं, प्लीज बोलती हूँ मोबाइल का इस्तेमाल करो। आप ही वालिदैन हो जो हम लोग खराब करते हैं, हम लोग की नस्लें खराब करते हैं, हम तो बहुत 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 ज्यादा खुश है, आपके पास मोबाइल है, आप अपने बच्चे का मोबाइल देते हैं, क्या देते, क्या करने के लिए देते, कार्टून देखेंगे, मेरा ये देखेंगे बच्चे, वो देखेंगे, मेरा बच्चा खाएगा तो मोबाइल देखे खाएगा। छोटे बच्चे मैंने खुसूसन देखी कि बच्चे मोबाइल देखते कुछ भी लगाते कार्टून वगैरह देखते तो खाना वहाँ पे लेके जाते, गार्डन में लेके जाओ, खिलाओ पिलाओ, सब करो, मस्त रहो। ऐसे नहीं कर सकते आप लोग, ये आपके अंदर नहीं है, बोलेगी हमारे पास टाइम नहीं, टाइम बच्चों के वास्ते ही निकालना पड़ता है, जिंदगी हमारी फैमिली के वास्ते रहती है, ना ही कि आपके सब काम के वास्ते। प्लीज मैं आपसे गुजारिश भी करेंगे आपने बच्चे के वास्ते फ्री वक्त दे, ये क्या वक्त है, फ्री वक्त में उनके साथ हम उम्र बन के खेले, उनके साथ ऐसा है कि नहीं ये मेरी माँ नहीं, मेरी बच्चे फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, आप उसे बन के खेलोगे ना, बच्चा क्या सोचेगा ये मेरा फ्रेंड है। आप अपने आप को उसे सबसे अच्छा दोस्त, उसी दोस्त वो सबको साइड में करके आप अपने आप को उसका सबसे अच्छा दोस्त तसव्वुर करें, ऐसा करें कि आपको वो खुद लगे नहीं मेरी माँ मेरे लिए सबसे अच्छी, मेरी वालिद मेरे लिए सबसे अच्छी। लड़कों को नमाज की पाबंदी करो, सब करो, आप मोबाइल भी दो, मैं मोबाइल नहीं मना कर नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छी चीज है मोबाइल, पर नुकसान की जगह हम नुकसान को फायदे बना के देख रहे हैं बच्चे और फायदे को नुकसान पढ़ रहे। मैं मोबाइल के ना पढ़ने के लिए लेके जा रही हूँ, बच्चे आपको ये बोलते हैं 11th 12th के बच्चे ऐसे ही है, मैं पढ़ने के ऐसे लेके जा रही हूँ, पढ़ गए देखिए कुछ भी लगा दिए, कुछ भी कार्टून लगा दिए, सीरियल लगा दिए, कुछ भी, अभी तो पाकिस्तानी सीरियल चल रहे, क्या ये सब हमारे इस्लाम सिखा, ये हमारे दीन सिखा रहे हैं हमें, क्या है ये दीन, हमें ये थोड़ी सिखाता है ना, दीन हमें सिखाता है कि आप ईमान कीजिए, आप इज्तिमा में जाए, आप यहाँ पे जाए, यहाँ पे आप देख रहे हो हम लोग यहाँ पे तीन बच्चे ये माँ नमाज पढ़े तो दोनों के दोनों बच्चे अभी नमाज पढ़ने के लिए, वो एक लड़की इज्तिमा में गई, माँ साथ में गई तो सब बच्चे भी गए, लड़के भी इसी तरह नमाज के लिए जाए, लड़कों को भी पाबंदी करे उम्रा के लिए बच्चों को साथ लेके जाए ताकि उनकी बहुत बहुत ज्यादा मोहब्बत हो। वेस्ट मटेरियल से उन्हें बहुत सी चीजें बनाने के लिए कहे, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ बच्चों को बहुत सी चीजें बनाने के लिए कहे, और भी हमने बहुत सी चीजें बनाए हैं, आप प्लीज उसके ऊपर गौर करें, और हमारे जिस टीचर्स को प्लीज अपने दिमाग में बिठाए, जो हम लोग दिल से जो कह रहे हैं आप अपने दिमाग में बिठाए, प्लीज सच कहते हैं हर हाल में सच कहते रहेंगे, सच कहते हैं हर हाल में सच कहते रहेंगे, इल्जाम सर पे आए के नाम हार, सुकून था सादगी थी बंदगी थी, सुकून था सादगी थी बंदगी थी, जब मोबाइल नहीं था तो एक जिंदगी। ये शेयर के ऊपर आप गौर करें और इसके हिसाब से आप अपने बच्चों से प्लीज मोबाइल को थोड़ा दूर करें और ये सब प्रोडक्ट में दिमाग लगाए कि ताकि मोबाइल से हट के इन सब चीजों के ऊपर गौर करें, ये सब चीज उनके लिए कुछ नहीं है। प्लीज आपसे गुजारिश करते हैं कि हम जैसे बच्चे को मोबाइल ना दें, प्लीज, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हमारे एग्जिबिट का नंबर है 13, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है कंट्रोलिंग मोबाइल, मेरा नाम मोमिन अफीफ अंजू मोहम्मद जहीर है, मेरा नाम रोशन फातिमा सैयद मोहम्मद वसीम है, हमारे साथ जिस प्रोजेक्ट में मिस ने काम करे है उनका नाम है फातिमा मिस और दूसरी मिस का नाम है ज़ैबुन्निसा मिस, हमारे इसमें टोटल 6 मेंबर्स थे, उसमें से दो का नाम है हाजरा और अमीरा और दो का नाम है तबस्सुम और गुलसबा। जैसे कि आप जानते हैं हमने ये प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमने जिस इस प्रोजेक्ट पे जितनी भी हिम्मत की है, जो हमने मेहनत की है, जो मैसेज हम सब तक पहुँचाना चाहते हैं वो आप सब तक के पहुँचे। सुकून था सादगी थी बंदगी थी, सुकून था सादगी थी बंदगी थी, जब मोबाइल नहीं था तो एक जिंदगी थी। थैंक यू।
Hello everyone, I am Mrs. Sabha Shadab Reis from Rizvi College of Arts, Science and Commerce, and I am really feeling that I am blessed today to be a judge for this event for Tarbiyat-e-Waliden. So my experience to be a judge was really very wonderful. It was really great opportunity to see the creativity amongst the students. Each and every child is having a lot of a potential to present, and really the teacher's efforts, parents' efforts with the children are really remarkable. And because of all this fusion, today's exhibition is a really very successful exhibition. And the best thing which I saw was the confidence among the child. They are so well prepared that each and every child was explaining each and every concept very well. I asked so many questions as a judge to the student, and which was not a part of actually their exhibit. They were answering those questions so well. So really efforts of teachers and students are really remarkable, and this particular topic and such type of seminar and exhibition should be conducted for the parents, because this is the need of the society. And my experience is wonderful, and I will appreciate the management for conducting such events, and such more events are expected, and I expect that they are going to excel in future, inshallah. Thank you very much.